या मेल टेलर, क्या प्रेफर करते हैं आप? फीमेल टेलर वो ज़्यादा, ऑलवेज फीमेल टेलर्स, फीमेल, फीमेल, बोथ, बोथ। मेल अगर मेजरमेंट ले तो कंफर्टेबल है आप या नहीं? नहीं, कंफर्टेबल नहीं होता, लेडीज में ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है वो। जिम जाओ या कपड़े सिलवाने, कुछ चीज़ें बदलने वाली हैं। जी हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि अब जिम में पहले जैसा माहौल मिलेगा या दर्जी की दुकान पर वही हाल रहेगा, तो थोड़ा रुक जाइए। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर नए नियम आने वाले हैं और इनसे बहुत कुछ बदलने वाला है। चलिए जानते हैं क्या है पूरा माजरा। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य महिला आयोग ने कई नए और स्ट्रिक्ट प्रस्ताव पेश किए हैं। इनका मकसद है महिलाओं के लिए हर जगह सुरक्षित बनाना है, चाहे वो दर्जी की दुकान हो, जिम हो या फिर स्कूल बस। अब जिम में पुरुष ट्रेनर नहीं सिखा पाएंगे महिलाओं को एक्सरसाइज। सबसे पहले बात जिम और योगा सेंटर्स की। अब महिलाएं जिम जाएंगी तो उन्हें सिर्फ महिला ट्रेनर ही ट्रेनिंग देंगी। अगर किसी महिला को फिर भी पुरुष ट्रेनर से ट्रेनिंग चाहिए तो उसके लिए लिखित में मंजूरी लेनी होगी। मतलब पहले जैसे फ्री फॉर ऑल अब नहीं रहेगा। तो बबीता सिंह चौहान, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष से हम बात करते हैं। मैम, इस वक्त ये फैसला जो आपने लिया है, इसकी वजह क्या है, इसके पीछे मंशा क्या है? देखिए, इसकी पीछे वजह और मंशा दोनों साफ हैं कि क्योंकि मैं महिला आयोग की चेयरमैन हूँ और महिला हूँ, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि महिलाओं को सुरक्षित भी रखा जाए और महिलाओं को रोजगार भी दिया जाए। आप भी यहीं रहते हैं समाज में, तो आपने देखा होगा कि जिम से जुड़े हुए कितने केसेस आपके पास आते हैं, और स्पेशली जब हम जन सुनवाई करते हैं तो हमारे पास भी इनसे कनेक्ट जैसे पार्लर हैं या बुटीक हैं या जिम हैं, इतने सारे केसेस आ रहे हैं कि मैं खुद शॉक्ड हूँ, क्या ऐसा होता है। शायद वो शिकायतों के तौर पर मेरे पास अब आने शुरू हुए हैं जब से मैं अध्यक्ष बनी हूँ। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर जिम है और वहाँ ट्रेनर लड़के हैं तो आप लड़कियाँ भी रखिए, अगर लड़कियाँ, क्योंकि देश की आधी आबादी है। अगर रोजगार की दृष्टि से भी देखा जाए तो अभी कौन सा क्षेत्र आज ऐसा है जिसमें लड़कियां काम नहीं कर रही हैं? तो जिम ही ऐसा क्यों है कि जब वहाँ लड़कियां नहीं रह सकती? लड़कियों को रखिए, वो सुरक्षा की दृष्टि से भी, क्योंकि आधुनिक भारत है, आधुनिकता की तरफ हम जा रहे हैं, और ये एक बहुत जरूरी भी हो गया क्योंकि अब हमारे पास फिजिकल वर्क नहीं है। तो निश्चित रूप से कि महिलाएं, बहू बेटियां घर की जिम जाना चाहती हैं और जिम जाना चाहती हैं, लेकिन वो जिम ट्रेनर के तौर पे लड़कों से जिम की प्रशिक्षण इसलिए लेती हैं क्योंकि वहां उनके पास वो लड़कियां नहीं होती। जब लड़कियां अगर ट्रेनर नहीं है तो उनकी एक मजबूरी है, उसके बावजूद भी वो वहाँ सब ये चीज़ें सहती हैं कि कोई वीडियोग्राफी हो गया या कोई बैड टच हो गया या इस तरह से, क्योंकि एक्सरसाइज अब आदमी करता है तो वो एक फ्री मूड में करता है और करना चाहता है। तो मेरा सिर्फ एक ही अनुरोध है कि एक तो जितने भी ट्रेनर हैं वो उनका पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए, सबका ये पता होना चाहिए। कई बार मेरे साथ ऐसी भी घटनाएं मेरे सामने आई हैं कि घटनाएं घट जाती हैं और यही नहीं पता चलता कि वो जो ट्रेनर था वहाँ, जो ट्रेनिंग दिला रहा था, वो कहाँ का था। दर्जी की दुकानों पर क्या बदला? अब जरा दर्जी की दुकानों पर नजर डालिए। अब पुरुष दर्जी महिलाओं का नाप नहीं लेंगे। जी हाँ, ये काम अब महिला दर्जी करेंगी। और हाँ, दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगाना भी जरूरी होगा ताकि सब कुछ पारदर्शी रहे। जो सैलून्स है या जो टेलरिंग की जो शॉप्स है जहाँ पर कपड़े सिलवाती हैं महिलाएं, वहाँ के लिए भी आपने आदेश किया? जी बिल्कुल, टेलरिंग के लिए कहा कि आप अगर देखेंगे, और आपको पता भी होगा ये बात कि 90% टेलर जेंट्स होते हैं बुटीक पे, जो जेंट्स हैं, लेकिन मेजरमेंट भी फिर जेंट्स करते हैं, वहाँ से भी वही शिकायतें सारी आती हैं क्योंकि आपको पता है कि जब ड्रेस सिलवाते हैं तो सब तरह से मेजरमेंट लिया जाता है। तो मेरा सिर्फ ये अनुरोध है कि आप टेलर रखिएगा, लेकिन मेजरमेंट के लिए लड़की रखिएगा वहाँ। जो मेजरमेंट अगर किसी महिला का करेगी तो वो लड़की करेगी। इसलिए मैं ये नहीं कहती कि आप किसी को नौकरी से निकालो, आप अपना पार्लर या बुटीक या जिम बंद करो, नहीं। आप वहाँ लड़कियों की सुविधाओं के लिए, महिलाओं की सुविधाओं के लिए आप लड़कियों को, महिलाओं को अपॉइंट कीजिए। ऐसा नहीं है कि महिलाओं में योग्यता नहीं है। स्कूल बसों में महिला सुरक्षा कर्मी होंगी तैनात। बाकी तो और भी कई बदलाव हैं। स्कूल बसों में महिला सुरक्षा कर्मी होंगी, कोचिंग सेंटर में भी सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे और वॉशरूम में भी महिला स्टाफ की जरूरत होगी। कुल मिलाकर ये कदम महिलाओं की सुरक्षा और सहूलियत को ध्यान में रखकर उठाए गए हैं। इसके अलावा महिला आयोग ने कई अन्य अहम प्रस्ताव भी रखे हैं। कोचिंग सेंटर्स में सीसीटीवी कैमरा और वॉशरूम अनिवार्य होगा। बुटीक और कपड़ों की दुकानों में सिर्फ महिला कर्मचारी होंगी। ड्रामा और आर्ट सेंटर्स में महिला डांसर, शिक्षक और सीसीटीवी का होना जरूरी होगा। फीमेल टेलर या मेल टेलर, क्या प्रेफर करते हैं आप? फीमेल टेलर वो ज्यादा, ऑलवेज फीमेल टेलर्स, फीमेल, फीमेल, बोथ, बोथ।
बोथ। तो बहुत से लोग हैं जो फीमेल टेलर्स भी और मेल टेलर्स भी जो है प्रेफर करते हैं, बट मेनली लड़कियों का है फीमेल। अगर मैं आपसे अब जानना चाहूँ कि मुझे ये बताइए कि मेल अगर मेजरमेंट ले तो कंफर्टेबल है आप या नहीं? नहीं, कंफर्टेबल नहीं होता, लेडीज़ में ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है वो। लेडीज़ में ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। आपको मेजरमेंट लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, बट कंफर्टेबल की बात होती है वो थोड़ा सा इनकॉन्शियस रहती है चीज़ें, बट फीमेल्स के साथ हम बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं और प्रॉब्लम नहीं रहती, तो सेम थिंग एग्जैक्टली सेम कि फीमेल्स अगर लेंगे तो इट्स ओके, लेकिन मेल में थोड़ा वो होगा, वरना दिक्कत की कोई बात नहीं है। सेम चीज़ मेल के साथ अनकम्फर्टेबल फील होता है, फीमेल बेटर है। डिपेंड करता है, अब आपका मेल भी तो ठीक होता है ना, तो आप सबको जज नहीं कर सकते हो एक ही वे में, तो दोनों में कोई बुराई नहीं है। महिला आयोग का कहना है कि इन नए नियमों से सिर्फ सुरक्षा ही नहीं बल्कि महिलाओं को एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस भी मिलेगा, साथ ही नए नए जॉब्स के रास्ते भी खुलेंगे। मतलब दर्जी हो या जिम ट्रेनर, अब महिलाओं के लिए ढेर सारे मौके बनेंगे। अब देखना ये होगा कि योगी सरकार इन सारे प्रस्तावों को कब कानून की शक्ल देती है और कब से ये धरातल पर दिखने लगेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।